हाय सर, गुड मॉर्निंग। आपने बुलाया? हैव अ सीट। आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी? नहीं सर, थैंक यू। तो रिया की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है सर। शी इज डूइंग रियली वेल। इनफैक्ट बहुत अच्छा पिकअप कर रही है। इज इट? ये रिया की मार्कशीट है। लास्ट टर्म में इसके 63.2 थे और इस टर्म में सिर्फ 72.8। आप इसको अच्छा बोलती हैं। सर, 73% कम नहीं होते? 72.8। यस, दैट इज व्हाट आई मेंट। लिसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आजकल के कंपटीशन में अगर 90% से कम आए तो किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। एंड जस्ट थिंक, जब रिया बड़ी होगी, इन ग्रेड्स के साथ किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? वन सेकेंड, आई हैवंट कंप्लीटेड येट, लेट मी कंप्लीट। आप यहां आती हैं, रिया को एक घंटा पढ़ाती हैं, उसके पैसे लेके जाती हैं ना आप, उसके बाद उसके ग्रेड्स बुरे आए या अच्छे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सर, मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ बिकॉज आई रियली एंजॉय टीचिंग। या आई नो। एनीवेज, मैंने आपको इसलिए बुलाया यहाँ पे क्योंकि रिया के लिए एक घंटा काफी नहीं है। मतलब साफ है, रिया को ज्यादा पढ़ाइए, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, पूरा दिन पढ़ाइए, पूरी रात पढ़ाइए, आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, एंड आई नीड 90% एंड अबव, दैट्स इट। सर, आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि 72.8 कम मार्क्स नहीं होते। जब मैंने ज्वाइन किया था तो शी यूज्ड टू स्कोर लेस देन 60%। उसने इतनी मेहनत की है, बहुत इंप्रूव किया है। वन सेकेंड, फॉर मी एफर्ट्स डोंट मैटर, रिजल्ट्स डू। अगर मेहनत की है तो 90% क्यों नहीं आए? सर, हर बच्चा 90% स्कोर तो नहीं कर सकता ना। प्लीज कट दिस क्रैप, आपको पढ़ाने का शौक है ना, तो आप रिया को पढ़ाइए, दिन रात पढ़ाइए, रोज पढ़ाइए। मैंने वैसे भी उसका टीवी, खेलना कूदना, गेम्स सब बंद कर दिए, और जो रिया 8-9 घंटे सोती है उसको भी मैं कट करने वाला हूँ। शी विल स्लीप ओनली 4 आवर्स, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए 4 घंटे की नींद बहुत होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे पास और भी बच्चे हैं पढ़ाने के लिए। आई कांट स्टॉप टीचिंग देम। हाँ, दिस इज वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। ओके, आपको पैसे चाहिए ना, मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा, आप जितने बोलोगे उतने दूंगा, बट आई नीड 90%। आप एक काम कीजिए, अपना 90% का रेट बताइए। 90% का रेट? या ओके, आई विल चार्ज 1 लाख और रिया की 90% की गारंटी मेरी है। इनफैक्ट मोर देन दैट। 1 लाख, ठीक है, आई विल मैनेज, बट यू हैव टू अश्योर मी कि रिया के 90% से ज्यादा ही आएंगे, एंड आई विल गिव यू 1 लाख अ मंथ। आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, आई थिंक यू मिसअंडरस्टूड। व्हाट आई मेंट वॉज, आई विल चार्ज 1 लाख पर सेशन। 1 लाख पर सेशन? What do you mean? Sir, I mean 1 लाख एक दिन का, 30 लाख 30 दिन का, प्रॉब्लम सॉर्टेड। और रिया के 90% की गारंटी तो मैं आपको दे रही हूँ। One second. 30 लाख रुपए महीने का? Have you gone crazy? इतना तो मैं कमाता भी नहीं हूँ। ओहो, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना सर। आप कितना कमाते हैं वैसे? That's none of your business. Keep out of it. सर, मैं रिया के फ्यूचर के लिए तो बात कर रही हूँ। See, I earn 9 lakhs a month. 9 lakhs? That's it? Sir, 9 lakhs se kya hoga sir? Aap thoda aur kamaiye na. 9 lakh kam hai aapke liye? Aur kya sir? Bilkul kam hai. Itni mehengai hai, itna competition hai. 9 lakh mein to aajkal kuch bhi nahi hota sir. Aap pagal ho gayi ho kya? Mere hisab se 9 lakh rupaye mahina bahut hota hai. सर, आपके अकॉर्डिंग बहुत होते हैं। yeah. लेकिन मेरी ट्यूशन की फीस तो नहीं निकल पा रही ना सर। मैं एक आइडिया दूं आपको, आप ना ओवर टाइम कर लो। ओवर टाइम? और नहीं तो क्या, ये इंटरनेशनल ट्रिप्स, पार्टी करना, टीवी देखना, फैमिली टाइम सब बंद कर दो आप। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? सर, आई एम सेइंग कि आप अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा लो। अभी आप 8 घंटा काम करते हो ना, आप 20 घंटा काम करो। 20 घंटा काम करोगे तो और पैसे आएंगे, और वैसे भी सर, एक इंसान के लिए 4 घंटे की नींद तो काफी होती है ना। जस्ट शट अप, मैं यहाँ पे रिया की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ और तुम बकवास पे बकवास किए जा रही हो। सर, बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, बकवास आप कर रहे हैं। What? इतनी देर से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह आप 9 लाख से 30 लाख पर नहीं पहुँच पा रहे ना, उसी तरह रिया इतनी जल्दी 90% पर नहीं पहुँच सकती। वन सेकेंड सर, छोटी सी बच्ची है वो, अगर उसके सर पे अभी से पढ़ाई का इतना प्रेशर डाल दोगे ना,
तो उसके लिए आगे जाके लाइफ में कुछ भी अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के सारे पेरेंट्स को 90% ही चाहिए। इस बात की कोई गारंटी है कि जो आज की डेट में 90% स्कोर कर रहा है आगे जाके 60% स्कोर करने वाले से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा? दिस इज नॉट वर्क। सर प्लीज लिसन टू मी, आपने ये तो नोटिस कर लिया कि उसके 72.8% आए हैं, लेकिन उसने ऑलमोस्ट 10% जंप किया है, आपने ये नोटिस नहीं किया? और 10% का जंप कम नहीं होता। तो सर मैं अभी अपनी क्लास में वापस जाऊं या अभी भी वो 90% वाली गारंटी चाहिए आपको? नो, आई थिंक यू कंटिन्यू विद योर सेशन। थैंक यू। थैंक यू। हाय गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। और एग्जाम्स आने वाले हैं तो हम सब की तरफ से एक छोटा सा मैसेज आपके लिए है। अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज अपने बच्चों को एग्जाम्स के लिए प्रेशराइज ना करें, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल भी प्रेशर एग्जाम्स के लिए तो ना लें, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 90% 80% या 50% सब लोग लाइफ में इवेंचुअली कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं। और प्लीज जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, एक लाल बटन है जिसपे प्ले का ऐसा सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इससे ना हमारे जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको पता चलते रहेंगे कब कब वीडियोस आ रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल, प्लीज लाइक इट। इसको यार कम से कम लाइक देना है 20-25 हजार, और शेयर जरूर करना यार। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट। और जोर से बोलो सारे, बोलो आवाज नहीं आई। जोर से बोलो।